हमने स्वतंत्रता के अर्थों को पढ़ा उसके दोनों पहलुओं को नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है ये भी हमने जाना अब हम स्वतंत्रता के कुछ लक्षणों पर गौर करेंगे जिससे हम स्वतंत्रता के अर्थों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जैसे स्वतंत्रता का पहला जो लक्षण है वो है संपूर्ण बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है मतलब यहाँ पर भी सकारात्मक स्वतंत्रता है ये हमको देखने को मिलता है कि जहाँ पर स्वतंत्रता होगी वहाँ पर प्रतिबंध जरूर होगा जैसे आपको इसका उदाहरण आपको घर में आपके घरों में भी देखने को मिलेगा जैसे आपके पिताजी आप पर एक प्रतिबंध लगाते हैं कि आप रात के 9 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके ऊपर बंधन डाला जा रहा है पर ये आपके ऊपर बंधन नहीं है ये आपकी भलाई के लिए आप पर ये बंधन डाला गया है जैसे भारत में गण रखने की स्वतंत्रता नहीं है प्रतिबंध है क्यों क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है भारत में विविधता बहुत है इसलिए भारत में गन रखने की परमिशन नहीं है अगर कोई रखता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी लेकिन अमेरिका में आप गन रख सकते हैं क्योंकि अमेरिका जो है धीरे धीरे नकारात्मक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहा है तो पहला जो लक्षण यही है कि स्वतंत्रता अगर हम कह रहे हैं तो उसमें प्रतिबंध जरूर होगा दूसरी इसकी विशेषता है कि स्वतंत्रता के लिए समाज कल्याण की दृष्टि से उचित बंधनों का होना आवश्यक है समाज के कल्याण के लिए उचित बंधन का होना आवश्यक है कैसे जैसे कि समाज देखते हैं हम भारतीय समाज में जितने पिछड़े जो वर्ग हैं पिछड़े जो जातियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी उन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि वो आगे बढ़ सके और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो पिछड़ी जाती है वो आगे बढ़ सके उनमें समानता लाई जा सके इसलिए अनुच्छेद पंद्रह कि सार्वजनिक जो स्थल है कुआं है तालाब है इस पर इनको कोई रोक टोक ना करें इन पर प्रतिबंध ना लगें और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे चुनाव को लेकर अगर हम देखें तो अगर पंचायती चुनाव है या नगर निकाय का चुनाव है यहाँ पर महिलाओं के लिए जो सीट होती है वो आरक्षित होती है उन सीटों पर सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकती है पुरुष उस पर चुनाव नहीं लड़ सकता तो यहाँ पर आपको प्रतिबंध देखने को मिल रहा है और ये प्रतिबंध क्यों है समाज के कल्याण के लिए क्योंकि समाज में जो जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज कल्याण के लिए ऐसे प्रतिबंधों का लगाना भी आवश्यक होता है तीसरा इसका लक्षण है स्वतंत्रता में व्यक्तिगत धारणा कम और सामाजिक जो धारणा है अधिक होती है जैसे आप सिगरेट पी सकते हैं ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कोई आपको मना नहीं करेगा आप पी सकते हैं पर आप सार्वजनिक स्थल पर आप सिगरेट नहीं पी सकते क्यों नहीं पी सकते क्योंकि सिगरेट का जो धुआँ है आपके आसपास जो लोग होंगे बसों में ट्रेनों में या कोई सार्वजनिक स्थल पर तो उनके स्वास्थ्य को वो धुआं खराब करता है तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको है पर समाज कल्याण को ध्यान में रख कर आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप सिगरेट पिए अकेले में पिए लेकिन आप पब्लिक प्लेस पर सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि समाज का कल्याण भी जरूरी है अगले इसकी विशेषता ये है स्वतंत्रता किसी भी कार्य को करने की वह शक्ति है जो दूसरों के लिए घातक ना हो जैसे इसमें हम देखेंगे जैसे आपको रोजगार की स्वतंत्रता है आप कोई भी रोजगार आप कर सकते हो मान लीजिए आप ईट भट्टी आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आ, पानी की व्यवस्था कर ली मिट्टी की व्यवस्था आपने कर ली पर यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि उसका जो धुआं है ईंट भट्टी का जो धुआं है वो किस दिशा की ओर जा रहा है मान लीजिएगा कि उसके धुआं की जो दिशा है समझो वहाँ पर कोई स्कूल है वो धुआं कंटिन्यू उस स्कूल की तरफ जा रहा है तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत उससे खराब हो सकती है इसलिए सरकार का ये काम तो है कि वो आपको रोजगार दे आपके लिए कोई व्यवस्था करे पर वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आपके रोजगार से आपके कार्य से दूसरों को कोई नुकसान ना हो इसलिए जो सरकार है एडिशनल सपोर्ट देकर उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करता है इसलिए आप देखिएगा जितने औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उद्योग धंधे होते हैं वो आ, कहना चाहिए जो घनी आबादी क्षेत्र में नहीं होते कम आबादी क्षेत्र पर होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो धुआँ है वो भी निकलते रहता है और यहाँ पे ट्रैफिक ट्रकों का आना जाना भी लगा रहता है तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है तो यहाँ पर स्वतंत्रता हमें ये बताती है कि आप आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं पर आपकी स्वतंत्रता दूसरों के लिए घातक ना हो अगली विशेषता यह है स्वतंत्रता व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है या जो चरण है वो ये है शिक्षा शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है जैसे हम जितने भी महान नेताओं को देखें जैसे हम गांधी जी को देखें या मंडेला को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जितने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए हैं उन महान नेताओं ने शिक्षा पर जोर दिया है जैसे कि भारत भारत में जब ब्रिटिश शासन करते थे तब कांग्रेस हमेशा उनसे मांग करती थी कि भारत के लिए एक अच्छी शिक्षा नीति होनी चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास हो सकता है व्यक्ति अपने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो यहाँ पर हमेशा कांग्रेस ने जो ब्रिटिश शासन थे उससे हमेशा मांग करते रहे लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसका तिलक ने बहुत विद्रोह किया क्योंकि उनकी शिक्षा नीति में अंग्रेजी भाषा के आधार पर ही शिक्षा दी जाए ऐसी व्यवस्था थी तो भारतीय उसका विरोध करते थे क्योंकि भारत की भाषा नहीं है अंग्रेजी भाषा नहीं है और भारत की जो भाषा है उसी के आधार पर भारतीयों को शिक्षा दी जाए ताकि भारतीय उसको अच्छी तरीके से उसको समझ सके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए भारतीय नेताओं ने ब्रिटिशों से मांग की इसमें सुधार की भी मांग की अगर हम भारत में सावित्री बाई फूले जी को देखेंगे तो उन्होंने पहला महिला विद्यालय की स्थापना की पुणे में क्यों की गई होगी क्योंकि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी हम इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं तुर्की साम्राज्य का तुर्की जो साम्राज्य था वो बहुत धनी और ताकतवर साम्राज्य था इस ताकतवर साम्राज्य में खलीफा शासन होता था तो खलीफा शासन को आ, हटाने के लिए व्यक्ति के पास स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए तो वहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ था और वहाँ के तुर्की में जो प्रथम राष्ट्रपति थे अः कमाल पाशा वो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे तुर्की के उन्होंने खलीफा शासन वहाँ से हटाकर वहां वहाँ पर गणतंत्रात्मक जो शासन है उसकी स्थापना हुई कैसे हुई अगर वहाँ के नागरिक शिक्षित नहीं होते तो क्या उनमें समझ आ पाती क्या वो स्वतंत्रता को समझ पाते नहीं समझ पाते इसलिए स्वतंत्रता जहाँ है वहाँ व्यक्तित्व का विकास होता है अगला है स्वतंत्रता सभ्यता तथा संस्कृति के विकास का मूल आधार सभ्यता और संस्कृति के मूल विकास में स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे इसमें हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान जो है दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए दोनों देशों के पास संविधान भी है पर हम दोनों देशों में फर्क ये देखते हैं कि भारत में हमको धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है जबकि पाकिस्तान में हमें धार्मिक सहिष्णुता देखने को नहीं मिलती है वहां की जो माइनॉरिटीज हैं वो धीरे धीरे घटती जा रही है उनको वो स्वतंत्रताएं नहीं हैं जो भारत में भारतीयों को जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें मिल रहे हैं यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो उन्नति कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो घटते जा रही हैं तो यहाँ से समझ में आता है कि स्वतंत्रता में सभ्यता और संस्कृति भी हमें दिखाई देती है कानून का पालन करने एवं स्वतंत्रता कम नहीं होती बल्कि सुरक्षित होती है तो ये विशेषता यह है कि जैसे स्वतंत्रता घटती नहीं है कानून बनाने से या कानून का पालन करने से स्वतंत्रता घटती नहीं है स्वतंत्रता सुरक्षित होती है और ये जो कानून होते हैं हमारे लिए ही बने हुए होते हैं जैसे कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे लिए एक ट्रैफिक रूल्स होते हैं और उस ट्रैफिक रूल्स को हमें पालन करना अनिवार्य होता है ये जो नियम होते हैं ये हमको प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं ये प्रतिबंध हमारी भलाई के लिए हम पर लग रहा है अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करें तो क्या होगा एक्सीडेंट होगा जो हमारे लिए घातक होगा तो इसलिए स्वतंत्रता जो है कम नहीं होती सुरक्षित होती है कानून के पालन करने से अगली इसका लक्षण है सकारात्मक स्वतंत्रता के आधार पर ही आर्थिक विकास संभव है आर्थिक विकास करने के लिए भी स्वतंत्रता चाहिए जैसे कि भारत के पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी मेंबर थे वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी उन्होंने कहा कि भारत के पास पूंजी बहुत है लेकिन ये जो पूंजी है ये ब्रिटिश ले जाते हैं ब्रिटिश भारत से ये धन लेकर चले जाते हैं और भारतीयों का शोषण करते हैं तो भारतीयों को भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाए जिससे भारतीय भी उन्नति कर सके तो दादा भाई नहर जी क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता होगी तब व्यक्ति व्यापार कर सकता है तब व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति को कर सकता है तो स्वतंत्रता के लक्षण में हमने इतने सारे लक्षणों को जाना और समझा जिससे हमें स्वतंत्रता के अर्थ को समझना बहुत ही आसान हो गया अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार या भेद तो समाज पर गहरी छाप है स्वतंत्रता की और इसका संबंध मानव समाज के विभिन्न पक्षों से है इसी आधार पर स्वतंत्रता के कुछ विविध रूप हैं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे पहला स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता या नैसर्गिक स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता के विषय में दो धारणाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। तो पहली जो धारणा है वो है प्राचीन धारणा प्राचीन धारणा में स्वतंत्रता का जो अर्थ है उसे राज्य की स्थापना से पहले भी प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त हुआ है यहां पर यह बताया जा रहा है जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी जब समाज नहीं बना था तब व्यक्ति स्वतंत्र था जो कुछ भी प्रकृति ने मानव को दिया था वो सब प्रकृतिक स्वतंत्रता होती थी जैसे कि रूसो कहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है स्वाभाविक रूप से वो स्वतंत्र है राज्य ने मानव को कोई स्वतंत्रता नहीं दी है जो भी स्वतंत्रता दी गई है वो प्रकृति के द्वारा दी गई है लोग जो हैं, उनका कहना ये है कि जब प्रकृतिक अवस्था थी प्रकृतिक अवस्था कहने से तात्पर्य जब राज्य जैसी संस्था का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले की जो अवस्था थी उसको राजनीति शास्त्र के विद्वान प्राकृतिक अवस्था कहते हैं इस प्रकृतिक अवस्था में होता क्या था कि लोग स्वतंत्र थे उनको खाना पीना रहना और बोलना और जैसा चाहे वैसा अपना जीवन वो जीते थे हर बात के लिए हर चीज़ के लिए वो क्या थे स्वतंत्र थे कोई नियम नहीं थे ना कोई राज्य था ना कोई समाज था तो व्यक्ति अपने जीवन को जैसी उनकी इच्छा होती थी वैसा वो अपना जीवन जीते थे और प्रकृति ने मानव को तीन अधिकार दिए हुए थे लॉक के अनुसार वो तीन अधिकार है जीवन का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार चूंकि हमें प्रकृति ने बनाया है तो जीवन हमें प्रकृति ने दिया है तो हमें जीवन का अधिकार हो गया स्वतंत्रता प्रकृति ने हमें बंधनों में या नियम के साथ नहीं भेजा हमें स्वतंत्र भेजा है तो जो हमारी इच्छा होगी जैसे हमें खाना है पीना है घूमना है वैसा हम कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को करने की स्वतंत्रता और तीसरी बात इन्होंने की है संपत्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति का अधिकार तो लॉ क्या कहते हैं कि जैसे एक पेड़ है पेड़ में एक फल लगा हुआ है अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करके उस फल को तोड़ता है और उसे अपने पास रख लेता है तो वो उसकी संपत्ति हो गई तो जो कुछ प्रकृति ने दिया है वो सब क्या है प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसी प्रकार से हॉब्स जो हैं वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मरक्षा का कहने का मतलब ये है कि जीवन का अधिकार है हॉब्स ये तक कहते हैं कि अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन पर कोई खतरा है तो वो अपना डिफेंस वो कर सकता है यहाँ तक हॉब्स ने ये तक बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है और उसे ऐसा लगता है कि उसको मृत्यु दंड दी जाने वाली है तो वो जेल से भी क्या कर सकता है वो भाग सकता है क्योंकि वो उसके जीवन का अधिकार है जीवन की स्वतंत्रता है तो तीन विद्वान हमने देखे रूसो है, है और लॉक है, है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्रता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है क्योंकि इन स्वतंत्रताओं पर कुछ भी प्रतिबंध नहीं है जैसे व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है दूसरे की संपत्ति को छीन सकता है मार काट भी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पर राज्य भी नहीं है कोई नियम भी नहीं है कोई कानून भी नहीं है तो ये कैसी हो गई एक अराजकता की स्थिति भी हो गई और ये जिसकी लाठी उसकी भैंस लाठी किसका प्रतीक है लाठी शक्ति का प्रतीक है तो जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा वो कमजोर को दबाने की कोशिश करेगा और उनके स्वतंत्रता को वो छीनेगा उसी प्रकार से मत्स्य न्याय भी आप देख सकते हो मत्स्य न्याय क्या होता है जैसे समुद्र समुद्र में आपने देखा होगा कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है तो बड़ी मछली किस और दिखाती है हमें शक्ति को दिखाती है और छोटी मछली मतलब कमजोर वर्ग को दिखाती है तो जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं शक्तिशाली जो लोग होते हैं कमजोर वर्गों का शोषण करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं उनकी स्वतंत्रताओं को छीनते हैं तो ऐसे में अगर प्रकृतिक स्वतंत्रता का अगर समर्थन करते हैं और उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो ये जो है एक नकारात्मक स्वतंत्रता होगी और समाज में एक अराजकता की स्थिति हो सकती है इस प्रकृतिक स्वतंत्रता की दूसरी जो धारणा है वो दूसरी धारणा ये है कि स्वतंत्रता मनुष्य के स्वभाव में है हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाए तो ये जो धारणा है वो प्रकृति से आई है प्रकृति ने बाय नेचुरल व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है इसलिए ये धारणा प्रकृतिक है यहाँ पर हम देखेंगे जब राज्य बन गया है तो राज्य प्रकृतिक स्वतंत्रता जो है जो व्यक्ति को मिली हुई है जीवन की स्वतंत्रता उसे ना छीने और इसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आगे चलकर कई उपनिवेश जब बने उपनिवेशों से जब राज्य स्वतंत्र होना चाहते थे तो इसी स्वतंत्रता की वो लड़ाई लड़ रहे थे क्यों क्योंकि जब राज्य आया तो राज्यों ने इन्हीं स्वतंत्रताओं पर इन्हीं अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था जैसे कि हम भारत को देखते हैं तो भारत में बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा पहले आ, स्वतंत्रता पहले हम कहेंगे कि वो कहते थे स्वराज्य स्वराज्य का अर्थ होता है हम स्वयं शासन हम करें लेकिन राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य से अगर हम कहें तो स्वराज्य का अर्थ स्वतंत्रता से उस समय लगाया जाता था इसलिए तिलक जी कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जन्म सिद्ध मतलब प्राकृतिक अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यहाँ पर पहले जब भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब पहले स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल होता था स्वराज्य का अर्थ होता है कि हम स्वयं पर शासन करें हम अपने देश पर शासन करें अपने लिए हम नियम बनाएं अपने लिए हम व्यवस्था करें पर आगे चलकर राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में स्वराज्य शब्द को ही स्वतंत्रता के रूप में उपयोग किया जाता है इसलिए स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये कहते हैं तिलक जी मतलब ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है और कोई हमसे ये छीन नहीं सकता आगे चलकर जब देश आज़ाद हुआ तब मौलिक अधिकार के रूप में कुछ प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है व्यक्तियों को मिला और इसका विरोध भी किया गया कि प्राकृतिक स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए जैसे कि अनुच्छेद 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है जैसे कि हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता में पढ़ा कि जीवन की स्वतंत्रता तो यहां पर अनुच्छेद इक्कीस प्राण और देह की स्वतंत्रता इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता राज्य या समाज द्वारा नागरिकों को जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं यहां पर हम देखेंगे कि व्यक्ति और नागरिक दोनों में अंतर क्या है किसे हम व्यक्ति कहेंगे और किसे हम नागरिक कहेंगे व्यक्ति तो हम सभी हैं पर नागरिक हम सब नहीं हैं जिस राज्य में हम रहते हैं वो राज्य हमें कुछ विशेषा अधिकार देता है उसे ही हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं जैसे कि इस स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता आती है तो जीवित रहने की स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा भाषण या प्रेस की स्वतंत्रता न्याय पाने की स्वतंत्रता समुदाय बनाने की स्वतंत्रता जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता ये सारी जो स्वतंत्रता है वो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि एक देश के अंदर नागरिक भी रहते हैं विदेशी भी रहते हैं पर सारी स्वतंत्रता का उपयोग विदेशी नहीं करता कुछ स्वतंत्रता का प्रयोग ही वो कर पाता है जैसे कि समानता तो वो नागरिकों में भी है और विदेशियों में भी है और अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की तो अगर सरकारी कोई नौकरी है तो वो सिर्फ नागरिकों को मिलेगा विदेशियों को नहीं मिलेगा जैसे कोई सार्वजनिक पद है वो भी नागरिकों को प्राप्त होते हैं विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं तो यह है नागरिक स्वतंत्रता वर्तमान समय में इन सभी अधिकारों व स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है और न्यायालय इनकी पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं गैटिल लिखते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वे अधिकार और विशेषाधिकार आते हैं जिनके द्वारा राज्य अपने नागरिकों के लिए बन बनाता है और रक्षा करता है लेकिन नागरिक स्वतंत्रता राज्य के द्वारा समानता के अधिकार के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाने के कारण सीमित भी होती है अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो स्वतंत्रता है जो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है जैसे जीवित रहने का अधिकार मतलब जीवन का अधिकार कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता ना आप किसी की हत्या नहीं कर सकते क्योंकि सभी को जीवन की सुरक्षा मिली हुई है दूसरा इसमें जो स्वतंत्रता है वो है भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं भाषण के द्वारा या प्रेस के द्वारा पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो देश विरोधी नहीं होना चाहिए या ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि दूसरे देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो खराब हो जाए ये आप भाषण नहीं दे सकते और न्याय पाने की स्वतंत्रता आपको कोई भी विवाद है कोई भी समस्या है तो आप न्यायपालिका के शरण में जाइए न्यायपालिका आपके अधिकारों की रक्षा करेगी जैसे कोई व्यक्ति गरीब है या असहाय है वो न्यायालय के पास नहीं जा सकता तो जनहित याचिका के माध्यम से एक सिंपल सा पोस्ट कार्ड के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को लिखकर न्यायालय में पहुंचा देगा और न्यायालय जो है अपनी कार्यवाही उस पर करेगा मतलब हर एक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है समुदाय बनाने की स्वतंत्रता आप नागरिक हैं तो आप समुदाय बना सकते हैं लेकिन आप विदेशी हैं तो आप समुदाय नहीं बना सकते सरकार नागरिकों को तो कभी मना करेगी नहीं समुदाय बनाने के लिए लेकिन वो विदेशियों को समुदाय बनाने से मना कर सकती है जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता सरकार जो है आपको आपके जीविका उपार्जन के लिए आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है आप सरकार से रोजगार मांग सकते हैं पर विदेशी मांग नहीं सकते उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो राज्य से नौकरी मांगे या कोई रोजगार वो मांगे ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को होते हैं। तो वर्तमान समय में इतने सारे जो अधिकार हैं स्वतंत्रता है उसको संविधान में स्थान दिया गया है और न्यायालय जो है इसकी रक्षा करता है न्यायालय जो है भारत में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो न्यायपालिका है नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है अब यहाँ पर देखिए ये जो नागरिक जो अधिकार हैं ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है ये एक विकसित अधिकार है कैसे विकसित अधिकार है जब औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ तब लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी तो लोग स्वतंत्रता की मांग करते थे तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ कि हम जिस राज्य में रहते हैं तो हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए जैसे महात्मा गांधी ने जी ने मांगा अधिकार कि भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता दीजिए उसी प्रकार से आप दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा स्वतंत्रता की मांग तो ये स्वतंत्रता की मांग जितने भी औपनिवेशिक शासन थे वहीं से वो शुरू होती है तो भारत में अठारह में एक एक्ट बना ब्रिटिशों के माध्यम से उस एक्ट में पहली बार जनप्रतिनिधियों की बात कही गई थी कि भारत में जो जनप्रतिनिधि होंगे वो भी शासन कार्यों में भाग ले सकते हैं तो जनप्रतिनिधि को स्थान दिया गया तो धीरे धीरे मांग बढ़ती गई एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस लोगों को बुलाती थी विचार व्यक्त करने के लिए आज़ादी के सिलसिले में तो सौ लोग भी इकट्ठे नहीं होते थे जैसे ही लोगों को स्वतंत्रता मिलती गई जनप्रतिनिधि बनने के अधिकार मिलते गए वैसे वैसे जो लोग हैं वो आगे बढ़ते गए और जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में तब पूरे भारत देश ने इक, भारत देश जो था वो कांग्रेस के साथ इकट्ठा हो गया तो ये हमें क्या बताता है कि जैसे आप नागरिकों को आप स्वतंत्रता देंगे अधिकार देंगे वो आगे बढ़ेंगे अपनी मांगों को वो पूरा करा सकते हैं यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि जो आ, अमेरिका है अमेरिका के जो नागरिक हैं वो अपने झंडे तक को वो जला सकते हैं उन्हें इतना अधिकार मिला हुआ है लेकिन भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये है नागरिक स्वतंत्रता गैटिल ने लिखा है कि नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वे अधिकार और विशेषाधिकार आते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए बनाता है और रक्षा करता है लेकिन जो नागरिक स्वतंत्रता राज्य के द्वारा समानता के अधिकार के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाने के कारण सीमित हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाने के कारण सीमित हैं इसका क्या अर्थ है जब भी अनुच्छेद 19 की बात होगी तो उसका जो निर्धारण जो होगा अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता के आधार पर तय किया जाएगा इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी जैसे आप हैं और आपके साथ कोई सांसद है। आप सड़क पर जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहां पर आप खड़े हैं तो दोनों आप समान हैं दोनों आप बोल सकते हैं लेकिन अगर संसद भवन है वहां पर आप आप भी बोलना चाहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत और सांसद भी बोलना चाहे चाहेगा तो पहली जो प्राथमिकता है वो सांसद को ही दी जाएगी क्यों क्योंकि अनुच्छेद 19 का जो निर्धारण है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के आधार पर ही किया जाएगा विधि के समक्ष समानता से अभिप्राय यह है कि समान परिस्थिति में समान संरक्षण प्राप्त होगा तो इसमें आप देखिएगा कि एक सांसद जो है और आप हैं तो अगर आप एक सड़क पर हैं तो आप दोनों समान हैं लेकिन संसद भवन में जो सांसद होगा वहाँ पर आप और सांसद समान नहीं हैं क्योंकि वो संसद भवन सांसद का है तो उन्हें बोलने की उन्हें कार्य करने की वहाँ पर आज़ादी वहाँ पर होगी जैसे कोर्ट में वकील और आप समान नहीं हैं लेकिन आप रोड में क्या होंगे समान होंगे तो यही है कि विधि के समक्ष समानता के समान परिस्थितियों के आधार पर समान संरक्षण दिया जाएगा तीसरा प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि नागरिकों के राज्य के कार्य एवं राजनीतिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता से है देखते हैं ली लॉक क्या कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है और इसका अर्थ ये है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए लोग अपनी सरकार को चुने ये राजनीतिक स्वतंत्रता है लेलोक के अनुसार अभी हम वर्तमान में हम अपनी सरकारों को चुनते हैं लेकिन पहले जो है हम सरकार ने चुनते थे जब उपनिवेशिक काल था तब हमें कोई अधिकार नहीं था कि हम अपनी सरकार को चुने जितने भी शासन होते थे प्रशासन होते थे मनोनयन के आधार पर होते थे तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ही हमने अपनी सरकार को चुना है या हम चुनते हैं देखते हैं ले लो, क्या कहते हैं राज्य के कार्य में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है सक्रिय भाग लेना जैसे चुनाव के समय में जैसे आप इसका उदाहरण आप देख सकते हैं अमेरिका में कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहां का एक एक नागरिक राजनीति में आ, की जानकारियों के लिए एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं कि किसको हम वोट करें किसको हम वोट ना करें किन आधारों पर करें तो हर एक व्यक्ति सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेता है अगर इसकी तुलना हम भारत से भारत से करें तो भारत उन्नीस से आज़ाद हुआ उसके बाद से भारत आ, अपने सरकार को चुन रही है तो चुनने के लिए उन्हें राजनीतिक सक्रियता होनी चाहिए पर उन्नीस से लेकर आज तक हमारे जो देश की जनता है या भारत की जो व्यवस्था है उसमें नागरिक सक्रिय भागीदारी नहीं है आज भी लोग अपने जो दादा परदादा जिसको वोट करते थे उसी को वोट कर रहे थे और जब पहला जब चुनाव हुआ उस समय भी वो उसी के आधार पर ही क्या करें वोट वो कर रहे हैं कि हमें जो पार्टी पसंद है उसको हम करेंगे उसका कोई आधार नहीं देखते कि कैंडिडेट की क्या योग्यता है या क्या विचारधारा है उसके आधार पर वो वोटिंग नहीं कर पा रहे मतलब सक्रिय भागीदारी नहीं है यहाँ पर हम देखेंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के द्वारा जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है हम कैसे सरकार पर नियंत्रण रखते हैं जैसे कि भारत भारत में हम पाँच साल के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि पाँच साल तक हमने चुना है तो पाँच साल तक अपने पद पर रहें वो अपने पद से मुक्त भी हो सकते हैं अगर जनता अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को हटाना चाहे तो सरकार को हटा भी सकती है तो गैस्टल ने लिखा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में शासन के निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है अगर राजनीतिक स्वतंत्रता ना मिले हम जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण ना रखें हम अपनी सरकार को ना चुने या सक्रिय भागीदारी हम ना रखें तो शासन जो है वो निरंकुश हो सकता है आइए हम देखते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार इसमें शामिल है पहला अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार मतलब आपको वोट देने का अधिकार है तो ये अधिकार कब से शुरू हुआ होगा पहले राजतंत्र हुआ करता था तो राजा का जो पद था वो वंशानुगत होता था तो वहाँ पर तो वोटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है फिर धीरे धीरे जब औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ लोग अपने अधिकारों की मांग करते गए तो मांग करते गए लोग और इधर उपनिवेशिक शासन जो है वो आगे बढ़ते गया तो धीरे धीरे लोगों को अधिकार मिलते गए तो वोटिंग का भी अधिकार मिलने लगा जैसे भारत में 1909 में पहली बार भारतीयों को वोट देने का अधिकार था लेकिन महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था ब्रिटेन में 1912 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ जबकि ब्रिटेन जो है वहां लोकतंत्र की जो स्थापना है सोलह में हो चुकी थी लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत उन्नीस से जब से भारत आजाद हुआ आजाद होते ही उन्होंने भारत ने स्त्री और पुरुष दोनों को ही वोट देने का अधिकार दिया दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं यदि आप उस देश के नागरिक हैं तो आप एक सरपंच से लेकर आप राष्ट्रपति तक का आप चुनाव लड़ सकते हैं ये आपको अधिकार है तीसरा आपको अधिकार है राजनीतिक दलों के निर्माण का अगर आप एक ही विचारधारा के लोग हैं और किसी राजनीतिक दल का निर्माण करना चाहते हैं तो आप राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं चौथा योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद पाने का अधिकार जैसे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपके पास योग्यता का होना जरूरी है जैसे कि भारत में आप किसी गांव के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहली योग्यता तो ये कि आपकी आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और आप उस गांव के निवासी होना आपका जरूरी है वैसे ही जैसे आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी जरूरी है उसी प्रकार लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष होने चाहिए तो इस प्रकार से योग्यताएं होती हैं अगर वो योग्यता आपके पास है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और अगली जो योग्यता है सरकार जनहित में कार्य करे या जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करे इसलिए सरकार व सरकार की नीतियों की स्वतंत्रता पूर्वक आलोचना करने का अधिकार है तो अगर सरकार की नीतियाँ आपको अच्छी नहीं लगती या कमी लगती है जो भी आपको लगता है आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं तो सरकार की आलोचना करना भी आपका राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है अगला है आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उस स्वतंत्रता से होता है जिसमें वह आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो तथा किसी प्रकार वह ऐसी दशा में ना हो कि उसके श्रम का पारिश्रमिक दूसरों को प्राप्त हो जो व्यक्ति कार्य करता है जो व्यक्ति परिश्रम करता है और परिश्रम के द्वारा जो कुछ भी वो धन कमाता है वो उसकी संपत्ति होती है उसका धन होता है और उसके परिश्रम का जो धन है किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता या दूसरा व्यक्ति उसके धन को छीन नहीं सकता ये आपका आर्थिक अधिकार है प्रोफेसर लॉस की क्या कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होनी चाहिए आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगे आपको अपने जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा तो सरकार जो है आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करता है जैसे आपको नौकरियां देता है या फिर यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय की आपको स्वतंत्रता देती है या फिर आप अगर व्यापार करना चाहते हो और आप आप में सक्षम आप सक्षम नहीं हो आर्थिक चीज़ें वहन करने की तो सरकार आपको सब्सिडी भी देती है आपको बैंक से लोन भी प्रदान करती है ताकि आप व्यापार कर सकें और जब लोन प्रदान करती है तो कुछ नियम और शर्तों के आधार पर ही लोन प्रदान वो करती है जैसे गरीब है ऐसा सोचकर बिना नियम के वो लोन नहीं देती है उनको भी नियम और शर्तों के आधार पर ही लोन दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि एक भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई उपयोग नहीं होता व्यक्ति अगर गरीब है उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है तो सबसे पहली चिंता ये है कि व्यक्ति वो जिएगा कैसे तो जीने के लिए उसको कमाना बहुत जरूरी है और कमाने के लिए उसके पास रोजगार का होना जरूरी है पहले व्यक्ति अपनी भूख को शांत करेगा वो जिंदा रहेगा तभी तो वो वोट कर पाएगा इसलिए पहले आर्थिक व्यवस्था करना जरूरी है जी डी एच कोल भी कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी कल्पना है जब तक हमें हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते या हमारे पास कोई रोजगार या व्यवसाय नहीं होता तब तक हम राजनीति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता में कुछ अधिकार आते हैं जैसे कि नागरिकों को काम करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार है दूसरा विश्राम या अवकाश का अधिकार व्यक्ति काम करता है तो जाहिर सी बात है कि वो थकेगा और थकेगा तो उसे विश्राम की या अवकाश की आवश्यकता होगी अगर वो विश्राम नहीं करेगा तो उसका जो शरीर है वो दुर्बल हो जाएगा तो इसलिए उसे अवकाश की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए न्यायोचित घंटे निश्चित करना आप किसी व्यक्ति को चौबीस घंटे आप काम नहीं करा सकते या जैसे सोलह सत्रह घंटे आप काम नहीं करा सकते या अगर कोई व्यक्ति जहाज में काम करता है तो पाँच पाँच छः छः महीने के लिए वो जहाज़ में ही काम करते रहता है तो ऐसा नहीं जो भी, भी कोई कार्य किया जाए तो उसके लिए कार्य करने के न्यायोचित जो समय है वो निर्धारित किया जाए वृद्धावस्था और असमर्थ में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति वृद्ध हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो कार्य नहीं कर सकता तो वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना या वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना आर्थिक सहायता देना वैसे ही असमर्थ जो लोग होते हैं लंगड़े लूले हैं अपाहिज हैं उनकी सहायता करना अनाथों की सहायता करना उनकी सुरक्षा करना ये भी आ, आपका कहना चाहिए राजनीतिक आर्थिक आधार है जीवन निर्वहन के लिए उचित मजदूरी जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी यदि कोई उद्योग है किसी भी उद्योग में दो व्यक्ति होते हैं एक तरफ पूंजीपति और दूसरी तरफ श्रमिक श्रमिकों के बिना उद्योग का काम नहीं हो सकता और पूंजीपतियों के बिना भी, भी कार्य नहीं हो सकता इसलिए जब श्रमिकों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें श्रमिकों की भागीदारी का होना जरूरी है इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं किसी राज्य की जो शक्ति होती है वो धन से आती है जैसे कोई देश धनी होता है वो शक्तिशाली होता है जैसे अमेरिका के पास बहुत धन है इसलिए वो शक्तिशाली है और चाइना के पास भी धन है इसलिए वो भी शक्तिशाली है तो ये धन जो है ये पूंजी जो है वो आएगी कैसे पूंजी आएगी व्यवसाय से और ये जो व्यवसाय है वो करेगा कौन नागरिक करेगा तो देखते हैं कि नागरिकों को व्यापार की जो स्वतंत्रता है वो देनी चाहिए जैसे कि एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यापार से ही पूंजी बढ़ेगी पूंजी आएगी और देश क्या होगा शक्तिशाली बनेगा इसलिए जब अपने वैश्विक काल था तब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कंपनी क्या थी नागरिकों का एक व्यापारिक समूह ही था जो व्यापार करती थी इतना ज़्यादा व्यापार करती थी कि सरकार के पास राजा के पास कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती थी उससे ज़्यादा जो इनकम जो होता था वो कंपनी के पास होती थी तो राजा भी कंपनी में हिस्सेदारी मांगते थे और जहाँ पर धन होता है वहीं पर शक्ति भी होती है इसलिए जो व्यापारी जो होते थे वो राजा को या शासक को अपनी नीतियों के अनुसार वो मोड़ लेते थे अपनी इच्छा अनुसार वो नीतियाँ बनवाते थे कई सारे जो युद्ध हैं जैसे कि व्यापारियों ही करवाया है ऐसा आप मान सकते हो खासतौर पे अमेरिका के जो व्यापारी हैं जो शस्त्र का व्यापार करते थे उन्होंने कभी भी निशस्त्रीकरण को युद्ध को रोकने का कभी प्रयास नहीं किया क्यों प्रयास नहीं किया क्योंकि उससे उनका जो व्यापार है वो व्यापार धंधा है वो चौपट हो जाता है इसलिए कई सारे जो युद्ध हैं वो व्यापारियों के द्वारा ही या व्यापारियों के कारण ही हुआ है तो आर्थिक जो स्वतंत्रता है व्यक्ति को होनी चाहिए पांचवा है व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के स्वयं से संबंधित हो तो व्यक्ति के निजी मामलों से है उस पर राज्य या किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जैसे व्यक्ति को अपना रहन सहन कैसा होना चाहिए वेशभूषा क्या होनी चाहिए धर्म का पालन करे परिवार बना सकता है इसकी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी इच्छा अनुसार जिससे विवाह करना चाहता है उससे विवाह कर सकता है जो भोजन वो करना चाहता है वो भोजन कर सकता है जो भी जिस प्रकार के वो वेशभूषा अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं इस पर राज्य को या समाज को या दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जे एस मिल की हम बात करें तो उनकी एक किताब थी ऑन लिबर्टी उन्होंने उन्होंने लिखा है कि हर एक कार्य प्रत्येक कार्य को उसकी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि बशर्ते वो उसकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना हो तो यहाँ आपके भोजन करने से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं हो रही है आपके परिवार से आपकी शादी से दूसरे को हानि नहीं हो रही है तो आप ये जो स्वतंत्रता है व्यक्ति का स्वतंत्रता है तो ऑन लिबर्टी जो है उसमें जे एस मिल ने कहा कि व्यक्ति अगर अपने घर में अगर वो शराब भी पीता है तो वो पी सकता है क्योंकि उसके शराब पीने से समाज को या दूसरे व्यक्ति को आ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर व्यक्ति जुआ भी खेल रहा है तो उसको जुआ खेलने दो क्योंकि वो अपने घर के अंदर खेल रहा है वो अपने घर तक ही सीमित है तो जे मिल ये बताना चाह रहे थे कि आ, कि व्यक्ति से संबंधित जो मामले हैं उस पर राज्य और समाज हस्तक्षेप ना करे हालांकि शराब और जुआ जो है समाज को भी प्रभावित करता है अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन मिल का कहना यह था कि जो व्यक्ति को उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उसके स्वयं से संबंधित हो छठवा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि राष्ट्र को अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं ही होना चाहिए राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य विषयों में पूर्ण स्वतंत्र होना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता है यहाँ पर बात हो रही है संप्रभुता की संप्रभुता राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर राज्य जो है अपने देश के आंतरिक प्रशासन करती है और बाह्य प्रशासन भी करती है जैसे आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत अपने देश के लिए कानून का निर्माण करना उस कानून का पालन करवाना जो पालन नहीं करता है उसे दंड देना राज्य के अंदर एक व्यवस्था को बनाए रखना और दूसरा है कि बाह्य विषय मतलब दूसरे देशों के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित करना संधि है समझौता है युद्ध है शांति है ये सब वो फैसले ले सकता है और ये तभी ले सकता है जब राज्य क्या हो स्वतंत्र हो जैसे कि भारत भारत जब गुलाम था तो भारत अपने देश के लिए कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास संप्रभु शक्ति नहीं थी भारत स्वतंत्र नहीं था और ना ही वो दूसरे देशों के विषय में कोई फैसला ले सकती थी जैसे कि विश्व युद्ध में भारत पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था फिर भी भारत भारत युद्ध में गया। क्यों गया? क्यों क्योंकि भारत एक उपनिवेश था भारत कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था इसलिए भारत अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था इसलिए राष्ट्र की स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है जैसे 15 अगस्त 1947 से भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी संप्रभु शक्ति प्राप्त नहीं थी ब्रिटिश ही सब कुछ निर्धारण करते थे भारत किसके साथ युद्ध करेगा किसके साथ संधि करेगा सब कुछ भारत ही क्या करता ब्रिटिश ही निर्धारित करते थे